हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आम एवरेज सीरीज कंटिन्यू कर थर्ड पार्ट को जीवा। एंड थर्ड पार्ट रो एवरेजटा पूरा पार्टिकुलरली एलिगेशन उपरे ही बेस अच्छी। मुझे रिक्वेस्ट करुच्छे जो मैंने एलिगेशन देखी ना दयाकर एलिगेशन जाइए फास्ट टे देखी दिखाँ। मुझे लिंक दे दीजिए अलरेडी डिस्क्रिप्शन में। एलिगेशन देखी सारा पर यह बुझे जी आप बहुत इजी हो क्वेश्चन सल्व करें। ओके, तो आउ लेट न करके फास्ट कनसेप्ट मुझे टी खाली रिविजन करदे। आम एलिगेशन में कौन पढ़ी आठ एवरेज केमी एप्लाय करवा। एलिगेशन आम कौन पढ़ी ना जेड इक्वाल टू एक्स प्लस वाई जो भी रिलेसन रहा आम सब एलिगेशन लगे पार्बा। जब एक्स वाई जेड रन टाइगर आम गोटे प्रपर्टी थी एंड सेम क्यारेक्टर गोटे भैल्यू आम पाई। तो जदि ये एवरेज आम पुट करूँ एवरेज जदि पकेबा तो एवरेज पकेले आम एवरेज डेफिनेशन कौन ना सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म। तो रेशियो कहार बाहर नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल गोटे स्कूल बॉयज आउ गर्ल्स अच्छा गोटे एग्जाम रे मु बॉयज मानकर एवरेज मार्क पकईदेवि गर्ल्स मानकर एवरेज मार्क पकईबी आउ टोटल पिलांकर एवरेज मार्क पकेबा। तो रेशियो कहार बाहर नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। मन कर गोटे एग्जाम रे पास पिलांकर मार्क लिखा फेल पिलांकर एवरेज हिसाब को टोटल पिलांकर एवरेज मार्क दे। तो जो रेशियो बाहर सीटी कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द पास टू द फेल रेशियो बाहरी जीव। तो ये जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई रे आम सॉरी आम जो एवरेज पुट करूँ रेशियो सब कह बाहर नंबर ऑफ टर्म्स आमको ये खाली जानवर अच्छे डायरेक्ट आम एवं क्वेश्चन को जी। ओके, देखो ये क्वेश्चन कौन कही ना 16 चिल्ड्रेन आर टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ए एंड बी इन 10 एंड 6 चिल्ड्रेन। द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रेन ऑफ ग्रुप्स ए इज 75। द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रेन इज 76। टोटल अच्छा केत जन स्टूडेंट से कही 16 जन। तो 16 जन को सब मतलब भाग करके सॉरी 16 जन को भाग करके केमी ना 10टा आगे 6टा टोटाल के 16। मुझे जे आम एवरेज बाहर गले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जेकोसी नंबर ऑफ टर्म जानवे आम ओरिजिनल वैल्यू न जाणी सब रेशियो को यूज करवा बिकज आमको सल्व करने कैलकुलेशन करने इट विल बी सिंप्लीफाइड हो। ओके, तो गोटे जिनस देखु एवरेज परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रेन ऑफ ग्रुप ए। ए ग्रुप रो एवरेज मार्क के 75 बाकी टोटाल पिलांकर के 76 देजी एंड मागिजे ह्वाट इज द एवरेज परसेंट मार्क ऑफ द ग्रुप बी। गोटे तो जमी आम ट्रेडिशनली करूँ कर पारे मुझे बतई दूसरे केमी 5 × 75 दिस इज इक्वाल टू 375। 8 × 76 कल ये 560 एंड दिस इज 50608 हो। ओके, तो जो माइनस करवा 8 × 5 गल ए टोटाल मिसले कि ये हवा कथा तो ये माइनस कले जना पड़ो। तो 8 × 5 गले 3 एटा दिस इज 3 × 233। तो 3 × के 233 हे 233 बाय 3 इक्वाल टू 2 × 77 2/3। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। एवं देखा एटा एलिगेशन भी सल्व हो पार एलिगेशन भी केमती है डायरेक्ट गोटे मुझे आउ भी गोटे मेथड देवी जोटा कि आपको बैलेंसिंग कही से भी जे चाहिए आप पारे। ओके, देखो ये जो मत नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो केते 5 × 3 कर एलिगेशन मुझे पकाचे मार्क के 75 आउ टोटाल 76 एमला मत 75 टोटाल दे दीजिए 76 मत ये ग्रुप भी दरकार। तो कौन कर 75 आउ 76 रो गैप के 1। सो 3 यूनिट को 1 5 यूनिट को के 3 यूनिट को 1 मैंने 1 यूनिट को 1/3। सो 5 यूनिट को 5/3 5/3 नथिंग बट 1/2/3। ओके, सो दिस गैप इज 1/2/3। आम ए कौन करवा 76 रु यू आम माइनस करवा सॉरी 76 रु माइनस कर दे सॉरी 76 रु 75 छोटो है नहीं, तो 1/2/3 ये बड़ हम बड़ हेल्ले के मिसीज ये 77/2/3। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, एलिगेशन सब इजी एक्चुअली क्वेश्चन आम जब भलसे भी न जब बुझीपारे के डायरेक्ट खाली जापारे एलिगेशन पढ़वर से कौटा एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर तो इजिली आम एलिगेशन पक। ओके, देखा तो वन लाइन जोटा कह चेस्टा करेंगे बुझाप 5 × 3 रे अच्छे 8 एम 76 लेखन मार्क अच्छे ये 5 जन मार्क के 75।
ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ବି କହିଛି ଏଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ, ବାଲାନ୍ସିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ସେତେ ସେତେ ହେବା କଥା। ତ ପୁରା 8 ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ତାମାନେ ମୋତେ 76 ଲେଖେନ୍ ଦରକାର। ବାକି ଦେଖୁଛି 5 ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, 75 ଲେଖେନ୍ ଅଛି, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଆହୁରି 1 ଲେଖେନ୍ ସର୍ଟ ହେଲା। ଆହୁରି 1 ଲେଖେନ୍ 5 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ସର୍ଟ ହେବ, 5 ସର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏଇ 5ଟା କିଏ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ନାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ତାହେଲେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲେ, କ'ଣ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲି, ଏଇ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଆଣିବେ, ଏଇ 3 ଜଣ କ'ଣ ଆଣିବା କଥା ନା, ତାଙ୍କର 76, ବିକଜ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 76 ରହିବା କଥା, ସେଇ 76 ଆଣିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଏ ଯେଉଁ 5 ଯେଉଁ ସର୍ଟ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର, ଏଇ 5 ବି ଆଣିବେ। ତ ଏଇ ଯଦି ସରି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇ ମାନେ 76 ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେବ, 5 ହେବ। ତ 3 ଜଣଙ୍କର 76 ଲେଖେନ୍, ପ୍ଲସ୍ 5ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏଇଟା 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆଣିବେ, ଏଭରେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, 3/2। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତିନି ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବି, ଏଇଟା 5/3 ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2/3। ତ ମିଶିଯିବ 76 ଫୁଲ୍ 1/2/3, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 77 ଫୁଲ୍ 2/3। ଓକେ, ଆଶା କରି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବା। ଦ ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ ବାଇ 120 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ସାର୍ଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ 35, ଇଫ୍ ଦ ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ପାସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ 39 ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 15, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ପାସ୍ ଟୁ ଫେଲ୍, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି। ଟୋଟାଲ୍ 120ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, 120ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଇନ୍ ସାର୍ଟେ ଦ ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ପାସ୍ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କ କେତେ, 39। ଫେଲ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ କହିଛି, 15 କହିଛି। ବାକି ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କେତେ, 35। ଯଦି ରେସିଓ ରେସିଓ ବାହାର କରିବା, 39 35, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 4, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 20। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 5:1। ତ ଟୋଟାଲ୍ 5:1 ମାନେ 6 ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 120। 1 ୟୁନିଟ୍କୁ 20, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପାସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 5 ୟୁନିଟ୍, 5 ୟୁନିଟ୍କୁ 20×50 କେତେ ହେଇଯିବ, 100। ଓକେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲିଗେସନ୍ ମେଥଡ଼। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦ ଏଭରେଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ 12,000, ଏଭରେଜ୍ ସାଲେରି ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଇଜ୍ 15,000, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ 8,000। ଇଫ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଇଜ୍ 12 ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏଭରେଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ 12,000, ମୁଁ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ 15,000, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏ ମେଲ୍କୁ ରଖିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ 8,000। ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ପାଇଗଲି, 15 12ର ଗ୍ୟାପ୍ 3,000, 12 8ର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା, 4,000। ସୋ ଦ ରେସିଓ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା, 4:3। ତ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା, 4:2, ସରି ରେସିଓ କେତେ ହେଲା, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, 4:3। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର୍ଟା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 12 ଅଧିକ, ରେସିଓ ହିସାବରେ 1 ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ, 1 ୟୁନିଟ୍କୁ 12 ହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, 7 ୟୁନିଟ୍। 7 ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 84 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଟୋଟାଲ୍ ମୋତେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମାଗିଥିଲା। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେୟାର ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆର୍ମି ଅଫ୍ 12,000, ଏଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଇଜ୍ 5'10", ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଜ୍ 5'9", ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଆର୍ମି ଇଜ୍ 59'3/4". ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1 ଫିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ଇଞ୍ଚ ବା 1, ଏମିତି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗାର ଦେଇକି ଲେଖନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଏମିତି ଦେଖିଦେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଇଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି, ବାକି ସବୁ ଫିଟ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କହିଥିଲି ଇଞ୍ଚରେ ଫାଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। 5'9" ହିସାବ କଲେ ଏଇଟା 12 50 60, ଏଇଟା ନ କେତେ ହେବ, 69 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନଙ୍କର। 5'10" ମାନେ 5 × 12 60+10, ସରି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର, ଏଇଟା 5 12 50 60, ଏଇଟା 10। 5'10" ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ଇଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏଭରେଜ୍ ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଛି, 59'3/3/4, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 59.3/4, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ, 0.75। ଓକେ, ସରି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 69 ଏକ୍ଚୁଆଲି, ସରି ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 69.75। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 69.75। ଏବେ ଏଲିଗେସନ୍ ପକେଇବା, ଏଠି 69 ପକେଇବା, ଗୋଟେ ପଟେ 70, ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ କେତେ ପକେଇବା, 69.75। ସୋ ଦିସ୍ 75 ଆଣ୍ଡ 69.75ର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେବ, 0.25, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ 69 ଆଣ୍ଡ 75ର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେବ, 0.75, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ 1:3।
वन इज टू थ्री बाहर कले फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडियन आर्मी कही तो टोटल के 12,000 फोर यूनिट को वन प्लस थ्री के फोर यूनिट को 12,000 वन यूनिट को 3,000 क्वेश्चन कही नंबर ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी कौटा जो 69 वाला दैट इज फास्ट तो वन यूनिट को 3,000 बाहरी जाइए तो आंसर बाहरी गला दिस इज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स जी राइट साइड ने मागि था यूरोपियन मागि था आम तेज़े के बाहर करें तीन यूनिट बाहर करें ओके नेक्स्ट नंबर को जीवा देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन थ्री सेक्शंस ए बी एंड सी ऑफ ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री सेक्शंस वाज 84 एवरेज मार्क ऑफ बी एंड सी इज 87.5 एंड दैट ऑफ ए वाज 70 देखो जो जेड इक्वाल टू एक्स प्लस वाई डाटा कहार कहार देजे बी आउ सी रो गोटे जगार देजे ए रो गोटे जगार देजे दैट मीनस ए को आम सेपरेट करवा बी प्लस सी को अलग करवा जमी डाटा दीजिए आम सेम पुट करवा बी सी को मन कर मुझ वाई नहींगली 87.5 ए रत दीजिए 70 बाकी हिसाब कला बेलू अल कैंडिडेट के 84 होलिगेसन पकड़े कहार रेसीो बाहर ना नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टुगेदर इन बी एंड सी ओके क्वेश्चन कही टोटाल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए के आम ए रहा बिकज टोटाल कैंडिडेट देखिए मतलब 100 कैंडिडेट देखिए सो दिस इज 70 87.5 मझे के 84 87.5 एंड 84 गैप के 3.5 एंड दिस विल बी के 14 सो दिस इज इक्वल टू वन इज टू के आम 4 पाइल ए डेसिमाल जहाँ रेसीो प्रोब्लेम होती आप दुपटे 10-10 इंटू कर दिखाँ 35 इज टू 140 हम 35 इज टू 140 मैंने 35 चौक 140 दैट विल बी 1 इज टू 4 तो आम एवं इजिली फाइंड आउट कर पार नंबर ऑफ सेक्शंस इन ए के वन यूनिट वन प्लस फोर थी देट मीन फाइव यूनिट को जब 100 हो तो खाली ए सेक्शन में वन यूनिट अच्छा वन यूनिट को 100/5 कल 20 द राइट आंसर जी बी सी टुगेदर मागि था 80 आउ बी आउ सी आम इंडिविजुअली बाहर कर पार्बानी बिकज सेमती किसी भी आमको रेसीो जना ना ओके सो नेक्स्ट विल जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री साइंस क्लासेस ए बी एंड सी टेक ए लाइफ साइंस टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ ए इज 83 एवरेज स्कोर ऑफ बी इज 76 एवरेज स्कोर ऑफ सी इज 85 एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी 79 बी एंड सी इज 81 ए बी सी टुगेदर के देखो बहुत ध्यान से गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए एवरेज देती से मतलब 83 बी क्लास पिला एवरेज मार्क 76 सी रही के 85 बाकी ए भी जितेबाला टुगेदर हिसाब करा हो कैंडिडेट मानक नहींकर के एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी 79 बी आउ सी रत 81 क्वेश्चन कहे एवरेज स्कोर ऑफ ए बी सी टुगेदर के बी सी रु एवरेज मार्क जाणी रेसीो बाहर करने मतलब या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दरकार ना नंबर ऑफ स्टूडेंट मानक रेसीो हेल्ले भी आम बाहर कर पारा बिकज आम आगू जा सारे व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज नो नीड टू ऑलवेज गेट द एक्जाक्ट वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इनस्टेड वी कैन फाइंड आउट द एवरेज बाय टेकिंग द रेसीो ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स सो आमको जब ए बी सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर रेसीो भी आम पाईगले नंबर ऑफ स्टूडेंट देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द होल स्टूडेंट्स ऑफ द ऑल द थ्री क्लासेस दैट इज ए बी सी ओके तो आम फास्ट एलिगेशन पकईक आम बाहर करवा कमी एवं ए पिलांकर से मतलब मार्क दे 83 मुझे ए पिला लिखिली बी पिला लिखिली 76 सी पिला लिखिली 85 76 एंड 85 गैप के 9 83 एंड 85 गैप के 2 सो आम एर गोटे रेसीो पाईगले के ए आउ बी पिला रेसीो मुझे 9:2 ठीक सेमती बी आउ सी रन दे लिखी थे सरी बी आउ सी रन तो ये 76 पुट कर ये पुट करवा 85 पुट करवा आ मझे मुझे के पुट करी 81 पुट करी 85 आउ 81 गैप के 4 एंड दि 76 एंड 81 गैप के 5 सो 4:5 देखो ए इज टू बी इज टू सी रेसीो ना देख दिखाँ जो मैंने जाणी ना मुझे खाली एप्लाई आई करी ए आउ बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेसीो देती के सॉरी मिस्टेक हो गला एक्सट्रीमली सॉरी दिस इज 79 दिस इज 79 दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4 ओके सो ए इज टू बी के 3:4
एज टू बी पाइज के थ्री इज टू फोर, बी इज टू सी भी के पाइज फोर इज टू फाइव। सो दुटा अलरेडी सामान अच्छे तो आम डायरेक्ट लिखिपर के थ्री इज टू फोर इज टू फाइव अच्छा। ओके एवं आम पाखे दुईटा तीन टा एक्चुअली ऑप्शन अच्छे मुझे बतौली सब जगह आम खाली कौन जाने बर्तमान जी आम एलिगेशन पक गोटे जगह लिखीद नेक्स्ट लाइन ए बी आउ सी नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो आम जाने के थ्री इज टू फोर इज टू फाइव एवरेज हिसाब गले 83 76 85 ए पिलांगर एवरेज मार 83 बी मानकर अछि केते 76 आउ सी पिलांगर एवरेज मार्क अछि केते 85 जदि टुगेदर हिसाब करबा देन दिस इज 79 एंड दिस इज केते 81 एते हमकु हम पाखरे जणा अछि आमे ए बी सी रो टुगेदर बाहर करू गोटे तो डायरेक्ट एबे आमे सॉल्व करि परबा डायरेक्ट केमिति सॉल्व करबा ना टोटाल जमी बाहर करूँ एक्जाट एमती टोटाल बाहर कर दैट मीनस ए रिला मानक टोटाल मार्क थ्री इंटू 83 बी रिला मानक टोटाल मार्क फोर इंटू 76 सी रिला टोटाल मार्क फाइव इंटू 85 होल डिवाइडेड बाय पाँच चार नौ तीन के बार मुझे डिवाइडेड बाय के करदेवी 12 करदेवी। ओके तो सल्व जदि यहाँ करवाटा यहाँ 240 न दिस इज 249 एटा 280 दिस इज 304 एंड दिस इज इक्वाल टू 425 हम डिवाइडेड बाय के करेंगे ये बार करेंगे ये 900 29 30 900 30 48 978 डिवाइडेड बाय 12 96 एक बार के 12 सो दिस इज 81.5 इज द राइट आंसर। एटा गोटे वे है आउ गोटे वे कौन देखु दीटा आहरी गोटे या तो ए प्लस बी सागे सी नहीं पारा और ए प्लस बी प्लस सी एमती भी आप सेपरेट करेंगे आपको जोटा इच्छा लगे से गोटे नहीं पारे मुझे कौन करी ए बी सागे सी नहीं जाऊँगी दुईटा को सेम मेथड एक मुझे गोटे करदे ए प्लस बी सागे सी केमती ना ना ए आउ बी रो टोटल स्टूडेंट के देखो 7:2 एवं सी रत अच्छे ना 5 अच्छे एलिगेशन हिसाब कले ए बी रार्क केवरेज मार्क 79 बाकी खाली सी रत देखो 85 अच्छे तो 79 एंड 85 गैप के 6 के यूनिट को 12 यूनिट 12 यूनिट को 6 है एक यूनिट को 0.5 5 यूनिट को 2.5 सो 5 यूनिट मान ए गैपटा दिस इज 2.5 तो आम जाचे एलिगेशन मिड वैल्यू बा मीन वैल्यूटा स्मॉलर वैल्यू सब ग्रेटर हम ग्रेटर वैल्यू सब लेस देन हम सो दिस इज 79 प्लस 2.5 हम दिस विल बी 81.5। ओके और यही सेम जिनको आई स्टाइल भी लिखिकी सल्व करेंगे दिस इज 7:5 थी एम 79 एंड 85 चाहिए आप टोटाल करेंगे ना जोड़ा कहली जमी बैलेंसिंग जे कर दैट विल बी द ग्रेटर बहुत बढ़िया बैलेंसिंग केमी आम करवा मनकर समस्त को आम 79 फास्ट देदेले एम आई फाइव मैंने केखे मैंने अधिक हेले आिक्स सिक्स अधिक हे 30 जन सिक्स सरी सिक्स सिक्स अधिक हे के 5 जन तो 6 लेखे जो 5 जन को 30 बलो एटा तो समस्ते बांटिकी ने पूरा 12 जन जाक 12 जन बांटिकी ने 6 2 गुणा कटिज 5/2 एटा के 2.5 सो 79 प्लस 2.5 के अगेन 81.5 हो। सो बैलेंसिंग कर भी आप शिखी जातु बिकज मुझ फास्ट क्लास एवरेजा को बतई दीजिए आप सब बैलेंस करवा जब शिखी एवरेजा इजी हे ना आम एलिगेशन विल बी द अल्टीमेट मेथड। ओके सो आज इतनी था यहाँ डायरेक्ट एलिगेशन क्वेश्चन किसी नहीं नेक्स्ट क्लास में आम एक्चुअली जोड़ा बहुत वीडियो थे एपी सीरीज रो एवरेज कौन नेक्स्ट आउ गोटे क्लास रे हम एपी सीरीज कौन पढ़ा एंड पुणी लास्ट क्लास आप एपी सीरीज रो क्वेश्चन गुटे सॉल्व कर बहुत इजी मैंने आम कहे कनसेप्ट क्लीयर होबार अच्छे एपी सीरीज सरलापुर जो क्रिकेट बेस क्वेश्चन बोलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज देन विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट अगेन एट द आफ्टर इट विल फिनिश विल गो फॉर द परसेंटेज चैप्टर ओके परसेंटेज प्रोफाइल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड लाइक दिस। ओके थैंक यू सो मच।